Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing questions of JEE Advanced 2020. और एग्जाम तो पिछले साल हुए थे और पिछले साल भी इसकी डिस्कशन हुई थी, लेकिन अभी हम एक एक करके डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चंस की, ताकि अभी जो 2021 में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका एक बार फिर से रिवीजन हो. और इस बार हम विशेष डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चंस का, ताकि बच्चों का कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो क्वेश्चंस के प्रति और थोड़ा सा बढ़े. पहले जब हमने डिस्कस किया था तो हमने बड़े ही शॉर्टकट तरीके से बहुत छोटे छोटे आंसर्स में कर दिए थे, डिटेल सॉल्यूशंस नहीं किए थे. इस बार हम कर रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन एक दिन ले रहे हैं. पहले तो हमने पूरा पेपर ही डिस्कस कर दिया था, लेकिन अब हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस, ताकि इसमें थोड़ा एलिबरेटिव हो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो और थोड़ा कंसेप्ट की क्लैरिटी हो, ताकि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन लाभान्वित हो सके, और जो साथ में जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी जब डिटेल एनालिसिस मिलती है तो उनको समझ में आता है क्वेश्चन थोड़ा विस्तृत रूप से. तो आइए आज का क्वेश्चन लेते हैं, और ये पांचवा क्वेश्चन है. इसमें कैसे करेंगे इसको देखते हैं. ये क्वेश्चन है, चार च्वाइस है, एक करेक्ट है, 3 मार्क्स सही करने के मिलेंगे और गलत करने के माइनस होंगे. लिखा है, C1, C2, B2 biased coins such that probability of getting head in a single toss are 2/3 and 1/3. पहले एग्जाम जब होता था तो biased coin के questions नहीं आते थे. अब हाल के दिनों में biased coins के भी question आने लग गए हैं. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दो तरह का इवेंट है. एक biased coins है, दो coins है जिसमें पहले में head आने की probability 2/3 है और tail आने की probability 1/3 होगी. दूसरे में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर इन C1 टॉस ट्वाइस इंडिपेंडेंटली एंड बीटा इज द नंबर ऑफ हेड्स अपीयर इन C2 टॉस ट्वाइस इंडिपेंडेंटली. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल. तो सबसे पहले हम आखिरी से ही यहां से शुरुआत करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल और इक्वल होना चाहिए. रियल और इक्वल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो. सो हियर इक्वेशन इज गिवन, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स. रियल एंड इक्वल रूट्स रूट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो. दैट इज अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac 4 बीटा. ये कंडीशंस होनी चाहिए. अब अल्फा बीटा रियल नंबर्स हैं तो ये क्या क्या ऐसा नंबर हो सकता है जो सेटिस्फाई करेगा. इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 केस फर्स्ट हो सकता है, अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2, तो ये बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू 2, सॉरी यहां पे हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू 2. तो बीटा 1 हो और अल्फा 2 हो तो ये सेटिस्फाई करेगा. दूसरा केस हो सकता है कि अल्फा भी जीरो हो और बीटा भी जीरो हो तो सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, यानी अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अल्फा इज द नंबर ऑफ रूट्स, ध्यान से देखें, अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर इन C1. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, एच इज द नंबर ऑफ हेड्स इन C1, ये लिख देता हूँ. एच जो है वो हेड को रिप्रेजेंट करता है, हेड अपीयर्स इन C1 इन C1 में, और टी टेल अपीयर इन C1. स्मॉल एच हम मान लेते हैं हेड अपीयर इन C2 और स्मॉल टी मान लेते हैं टेल अपीयर इन C2. ठीक है, तो क्या हो सकता है. अब ये हो सकता है कि पहले में अल्फा किसका रूट है, C1 का, और अल्फा क्या होनी चाहिए, 2 बार. यानी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी, या तो हो सकता है कि पहले दोनों हेड आए इसमें और बाद वाले में टेल आए किसमें, बाद वाले में, तो बाद वाले में टेल आए, ये दोनों हेड आ जाए और उसमें एक हेड आ जाए, है ना. तो उसमें एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 बार टॉस किया दोनों बार हेड आने की एक ही चांसेज होंगे, लेकिन एक बार हेड आने के चांसेज हो सकते हैं HT और TH. बोलो इनमें, दूसरे वाले में हो सकता है HT और TH, ये हो सकता है HT और TH, या तो HT और TH.
या ये कह सकते हैं कि दो बार में से एक बार आने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा सकते हैं, तो उससे भी बात बन सकती है, या तो ये होगा या ये होगा, दो पॉसिबिलिटी होगी। तो दो पॉसिबिलिटी होगी तो इसकी हम क्या कर सकते हैं, अब ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये कैसेज बन गए सिंपल स्पेस, ये होने चाहिए और प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पे पहली बार में दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 2/3, ये दिया हुआ है, ये हमने निकाल लिया C2 के लिए, C1 के लिए। तो यहाँ पर 2/3 × 2/3 ये हो सकता है, और या तो ये होगा या ये होगा, तो ये दो बार कर सकते हैं कि या तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो हम ये इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है बताइए, हेड आने की है 1/3 और टेल आने की 2/3, या फिर ये भी हो सकता है कि दो हेड और एक टेल ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, या का मतलब यहाँ पर प्लस है कि एक बार ये दो बार, एक बार टेल आए, एक बार टेल आने का मतलब 2/3 और 1/3, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये या वाली सिचुएशन है कि या तो इनके साथ आ जाए या फिर इनके साथ आए, तो हो सकता है, ठीक है ना। तो या का मतलब प्लस हो गया, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4/9, 2/9 + 2/9 = 4/9, तो ये हो गया 4/9 एंड दिस वन इज 2/9 + 2/9 = 4/9, दैट इज 16/81, ये आंसर आया, ठीक है। तो ये पहले केस के हिसाब से, दूसरे केस के हिसाब से क्या आना चाहिए कि नो टेल, इसका मतलब हुआ कि एक बार भी ना तो पहले में हेड आए ना दूसरे में हेड आए, पहले में हेड ना आए, जीरो हेड आने का मतलब कि दोनों टेल आए और दूसरे में भी दोनों टेल आए। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट केस, ये पहला इवेंट हो सकता है, और दूसरा इवेंट क्या हो सकता है, दूसरा इवेंट हमारा हो सकता है कि दोनों में ही टेल टेल आ जाए, यानी टेल टेल यहाँ भी आ जाए और टेल टेल यहाँ भी आ जाए, हेड आए ही ना, ये सिंपल स्पेस अगर हो तो क्या हो जाएगा। तो पहले में टेल आने का 1/3 × 1/3, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें टेल आने का 2/3 एंड 2/3, दोनों टेल आने का, तो ये हो गया 4/81। इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो पहला केस हो सकता है या दूसरा केस हो सकता है, तो दोनों ही केस के लिए PE1 either this और this, ये दो पॉसिबिलिटीज का मतलब हो गया कि 16/81 + 4/81 = 20/81, ये हो गया आंसर। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये होगी, PE आप चाहे तो लिख सकते हैं, है ना, = ये दोनों का कम्बिनेशन होगा, दो पॉसिबिलिटी होगी। अब आंसर 20/81 किस में लिखा है जी, 20/81 बी में लिखा है, इसलिए इसका उत्तर बी होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप बड़े ही आसानी से और कर पाएंगे, आने वाले ऐसा अगर क्वेश्चन आता है आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से कर पाएंगे, है ना, करेंगे ना, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ना मन करे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हम देते रहेंगे और आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस।